आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपका पार्टनर आपको कितना ज्यादा प्यार कर सकता है, आपके लिए लुट सकता है, आपके लिए बर्बाद हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप प्यार ढूंढ रहे हो। अगर आप प्यार ढूंढ रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खुश रहने के लिए किसी प्यार करने वाले इंसान की जरूरत है, तो आपको प्यार नहीं मिल सकता। आपकी हजारों कोशिश के बाद भी आपको प्यार नहीं मिलेगा। प्यार तो उस इंसान को मिलेगा, और बिना किसी कोशिश के मिलेगा, सामने से मिलेगा। किसको? जिसे प्यार की जरूरत ही नहीं है, जिसे किसी इंसान की नीड नहीं है, जिसे दूसरे इंसान की जरूरत ही नहीं है। और ये बात कितनी सच है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो देखिए, आप अपने पार्टनर के पीछे कितना ज्यादा परेशान हो रहे हो, उसके बाद भी आपको आपके पार्टनर का प्यार नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप प्यार ढूंढ रहे हो, और आपके पार्टनर को आपका प्यार चाहिए ही नहीं, फिर भी आप उनको प्यार कर रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर आपको प्यार करना नहीं चाहता, आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार देना चाहता है, लेकिन प्यार पाने का आपका जो तरीका है ना, वो गलत है, इसलिए आपको प्यार नहीं मिल रहा। जो इंसान भिखारी को 10 रुपये खाना खाने के लिए नहीं देता ना, वही इंसान साधु संतों को लाखों का दान करके आता है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है, और ह्यूमन साइकोलॉजी आपको यही सिखा रही है कि जो इंसान एक जगह पर 10 रुपया नहीं देता, दूसरी जगह पर वो 2 लाख या 4 लाख भी दे सकता है। इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पाने के लिए आपका एटीट्यूड एक विनर वाला एटीट्यूड होना चाहिए। एक लूज़र वाला एटीट्यूड होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों की नज़रों में जो राजा है, लोग उनको सब कुछ सामने से देते हैं, और लोगों की नज़रों में जो भिखारी है, लोग उसको भगा देते हैं। और मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, वो आपको दिल खोलकर प्यार कर सकता है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको भीख नहीं मांगनी है। वो इंसान बनिए जिसे आपका पार्टनर अपना प्यार देना चाहता है, जिसके सामने वो खुद लूट जाना चाहता है। वो इंसान से मेरा मतलब है जो खुद को दूसरों से बेहतर मानता है, दूसरों के पीछे नहीं भागता, जो अपनी लाइफ में खुशियां ढूंढता है, दूसरे लोगों में खुशियां नहीं ढूंढता, जो किसी को खोने से नहीं डरता, जो सबसे ज्यादा अपनी लाइफ के पर्पस से प्यार करता है, किसी इंसान से नहीं। ऐसे इंसान का माइंडसेट एक राजा जैसा होता है, ऐसे इंसान का माइंडसेट एक विनर जैसा होता है, एंड ऐसे इंसान को सब सामने से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे इंसान को ही तो प्यार करने के लायक मानते हैं। उस इंसान को वो लायक नहीं मानते जो सामने से प्यार मांगता है, लेकिन जिसको वो मानते हैं उसको सामने से प्यार देते हैं। प्यार कभी भी मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए आपको लायक बनना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक लूजर की तरह आप अपने पार्टनर को खोने से डरते हो, और अपने गोल से ज्यादा अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस देते हो, तो लोगों की नजरों में आप बहुत ही ज्यादा एक वीक इंसान हो, और लोग ऐसे लोगों से हमेशा दूर भागते हैं। खुद को कमजोर महसूस मत करो कि तुम्हें किसी के प्यार की जरूरत है। ऐसा महसूस करो कि तुम बहुत अच्छे हो और लोगों को तुम्हारे प्यार की जरूरत है। तुम किसी के बिना भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो। खुद का ऐसा माइंडसेट बना लो कि आपको अपनी लाइफ के गोल्स से बहुत ज्यादा प्यार है, और आप अपनी लाइफ के गोल्स को पूरा करने के लिए प्यार की भी कुर्बानी दे सकते हो। अंदर से ऐसा महसूस करो कि आपके सपनों के बीच में अगर प्यार आया, तो खुशी खुशी आप प्यार को छोड़ दोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी इंसान के लिए नहीं जी रहे हो, आप अपने सपनों को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जी रहे हो। जिस दिन आपका ऐसा माइंडसेट बन जाएगा, आज आप जिस इंसान को पाने के लिए रो रहे हो, उस दिन उसी इंसान को आप इग्नोर करोगे, क्योंकि आपके अंदर आपके गोल्स के लिए पागलपन पैदा हो जाएगा, और अंदर से आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल इंसान बनने लगोगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन जा रहा है। ऐसे आपका खुद के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और आप लोगों को खुश करने की कोशिश करना छोड़ दोगे। साइकोलॉजी की किताबों में जो कुछ भी लिखा है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए, आपका बातचीत करने का तरीका वैसा होना चाहिए, आपको वो सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अंदर से चेंज हो जाओगे, तो बाहर से तो आप ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाओगे। आपकी बाहर की पर्सनालिटी एकदम सेम ऐसी होती है जैसा आप अंदर से खुद के लिए महसूस कर रहे होते। किसी को इम्प्रेस करने के लिए बातचीत करने का तरीका
या बॉडी लैंग्वेज आपको तब सीखना पड़ता है जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे होते हो और आप चाहते हो कि बाहर आप कुछ अलग दिखो। सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर फोकस करने से आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में वो चमक आती है जिसे हर कोई पाना चाहता है, क्योंकि तब लोगों को सिर्फ आपकी पावर दिखेगी, आपकी स्ट्रेंथ दिखेगी, आपकी वीकनेस नहीं। आप दुनिया भर की टिप्स सीख लो कि आपको जल्दी रिप्लाई नहीं देना चाहे या आपको इग्नोर करना चाहे, लेकिन ये सब कुछ सीखने के बाद भी आप कई बार फेल हो सकते हो, क्योंकि कई बार आपकी पर्सनालिटी से सामने वाले इंसान को ये दिख जाता है, उनको ये समझ में आ जाता है कि आप उनको लेट रिप्ले कर रहे हो और उसमें सामने वाले इंसान को जितनी तकलीफ हो रही है उससे ज़्यादा तकलीफ तो आपको हो रही है। झूठ मूठ का ये दिखाना कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, ये काम करता है लेकिन हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि कई बार आपकी वाइब्स एंड आपका बिहेवियर मैच नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप अंदर से ही बदल गए तो आपको उस इंसान को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने स्ट्रोंग हो। उस इंसान को आपकी वाइब से, आपके बिहेवियर से ये फील हो जाएगा कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रोंग हो। जो लोग सिर्फ दूसरों के पीछे भागते रहते हैं वो लोग धीरे धीरे अंदर से खोखले हो जाते हैं, उनकी लाइफ में खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं होता, उनका कोई पर्पज नहीं होता, लोगों को सिर्फ उनमें वीकनेस दिखती है इसलिए कोई उन्हें नहीं पूछता, और लोग ऐसा करते ही जा रहे हैं और उनके पार्टनर उनसे और ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके पार्टनर को एक्चुअल में उनसे चाहिए क्या। देखो, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि उनका आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मेन प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपके पार्टनर का वापस से आप में इंटरेस्ट बने, जैसे कि आप अपने पार्टनर के पीछे भागना बंद करते हो, अपनी लाइफ में ग्रो करने लगते हो, खुद से प्यार करने लगते हो और खुश रहने लगते हो, तो आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन अगर आप सोचे समझे बिना अपने पार्टनर के पीछे भागते रहोगे तो एक दिन आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा इरिटेट होकर आपको सीधा ब्लॉक करेगा। एक फैक्ट बताऊं, जो लोग अंदर ही अंदर इस बात से डरते रहते हैं ना कि एक दिन कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए, रियल में उनके पार्टनर एक दिन उनको छोड़कर चले ही जाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जैसा फील करते हो वो आपके साथ वैसा होता है। मैं यहाँ पर साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ कि जो लोग अपने पार्टनर को खोने का एक्सपीरियंस फील करते हैं ना, अंदर से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने पार्टनर के सामने कुछ नहीं हूँ, उसको अगर मेरे से कोई बेहतर मिल जाएगा तो मुझे कहीं छोड़ ना दे, और इस डर के कारण वो हमेशा अपने पार्टनर के सामने झुकता जाएगा, डरता जाएगा, और ऐसा करते करते अपने पार्टनर की नज़रों में अपनी पूरी इज्जत को खराब कर लेगा, अपनी आइडेंटिटी को बर्बाद कर देगा, और इसलिए एक न एक दिन उसके पार्टनर का मन उनसे भर जाता है और उसको वो रियल में छोड़ देता है। लेकिन जिस इंसान के मन में अपने पार्टनर को खोने का डर नहीं होता, वो इंसान अपने पार्टनर की लाइफ में घुसा नहीं रहता, वो साथ साथ में अपनी लाइफ को भी इंजॉय करता जाता है, वो खोने से नहीं डरेगा, वो अपने काम में और अपनी लाइफ में टाइम को स्पेंड करेगा, जिसके कारण उसके पार्टनर को उसकी ज़्यादा नीड महसूस होगी। अपने मन में कोई ऐसा डर मत रखिए कि अगर मैं अपने पार्टनर से बात नहीं करूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा तो किसी और से बात करने लगेगा, या मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे छोड़ देगा। नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम दोगे या उनकी हर बात मानोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कहीं ना कहीं वो आपको छोड़कर चला ही जाएगा। कोई भी इंसान आपको छोड़कर तब जाता है या तो उनका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो जाता है या फिर वो आपसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। एंड ये सच आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो तब आपके ज़्यादा प्यार के कारण उनका इंटरेस्ट आप में ख़त्म होने लगता है, तब वो आपके प्यार से ही इरिटेट होने लगता है। कितनी अजीब बात है, इसको थोड़ा समझो। जब आप किसी इंसान को ये कहते हो कि आप उनको प्यार नहीं करते तब वो इंसान आपको पाने के लिए तड़प उठेगा, लेकिन जब आप उसी इंसान को हद से ज्यादा प्यार करने लगते हो तब वही इंसान आपको इग्नोर करके आपसे दूर भागने लगता है। उसको आपका प्यार तभी भी नहीं चाहता, वो तो आपकी पर्सनालिटी से, आपके उस एटीट्यूड से अट्रैक्ट हो रहा था जो इंसान उसे रिजेक्ट कर रहा है। तब वो आपको पाने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उस इंसान को जीतना चाहता था जो उसको ये चैलेंज दे रहा था कि तुम्हारी मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है। जब आप पूरी तरह से उसके प्यार में फंस जाते हो, जब आप उनके सामने रोने लगते हो, तब उन्हें ये महसूस हो जाता है कि उन्होंने आपको पूरी तरह से जीत लिया है। अब उनका पूरा ईगो शांत हो जाता है क्योंकि उनको ये पता चल गया कि आप पूरी तरह से
उनके ऊपर डिपेंड हो, आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते। इसलिए किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो आपके प्यार के लिए तड़प रहा था। नहीं, वो आपको जीतने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए बेताब था, आपके प्यार के लिए नहीं। आज तो आप अपने पार्टनर को पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करते होंगे। अगर उनको आपका प्यार ही चाहिए होता तो आज आपका ज़्यादा प्यार देखकर उनको ज़्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि लोग आपके सच्चे प्यार से हमेशा दूरी भागते हैं। हाल ही में एक लड़के ने मुझे बताया कि सर, एक लड़की ने मुझे सामने से प्रपोज किया था। मैं मैरिड था और मेरा कोई खास उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं मना कर रहा था, लेकिन तब वो लड़की मेरे पीछे पड़ गई थी। तो मैंने सोचा कि कोई सामने से आ रहा है तो मेरा इसमें क्या जा रहा है, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया है। अब मैं उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और वो लड़की मुझे बोलती है कि तुम बाढ़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में जब वो लड़का उस लड़की को रिजेक्ट कर रहा था, वही बात उस लड़की को उस लड़के की ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। अब धीरे धीरे वो लड़का उसके लिए सीरियस हो गया, इसलिए उस लड़की को फर्क नहीं पड़ता। जो लड़का एक टाइम पर उसको रिजेक्ट कर रहा था, एक टाइम के बाद वही लड़का अगर उसके पैरों में गिर जाएगा तो उस लड़की का इंटरेस्ट उस लड़के में कैसे रहेगा? क्या वो लड़की रियल में प्यार के लिए उस लड़के के पीछे पड़ी थी? क्या उस लड़की को रियल में उससे प्यार चाहिए था? नहीं, वो इस इंसान को जीतना चाहती थी जो इंसान उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए तो वो लड़की ऐसा बोल सकती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बाढ़ में जाओ। लेकिन जब ये लड़का इस लड़की को मना कर रहा होगा, तब इस लड़की को ऐसा ही महसूस होता होगा कि मैं इस लड़के को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इस लड़के के बिना नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में और रिलेशन के बारे में ज्यादा सीखना चाहते हो तो आप मेरी लिखी हुई ई-बुक्स पढ़ सकते हो, जिसमें द अल्फा मेल, साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, एक्सबेक मेथड और मोन की ईबुक भी शामिल है। सारी ईबुक्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, लोग सिर्फ उस इंसान को सीरियस लेते हैं जो इंसान उन्हें सीरियस नहीं लेता। अगर आप अपने पार्टनर को ऐसा दिखाते हो कि आपकी लाइफ में उनके होने ना होने से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तब आपका पार्टनर आपको ज्यादा सीरियस लेगा। मगर आप अपने पार्टनर को ऐसा दिखाओगे कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ और है ही नहीं, तब आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि आप एक लूजर हो। आपके पार्टनर को एक लीडर चाहिए, एक लूजर नहीं, जो उनको लीड कर सके, जो उसको कंट्रोल कर सके। और एक लीडर की यही खास बात होती है कि उसे दूसरों की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपनी लाइफ को लीड करता है, वो लोगों के भरोसे नहीं बैठता। अगर आप अपने पार्टनर के भरोसे बैठे हो कि वो आपको प्यार करेगा, तब आप हिम्मत करोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका पार्टनर खुद किसी ऐसे लीडर के इंतजार में है जिसके ऊपर वो खुद डिपेंड हो सके। हर कोई एक पार्टनर के रूप में ऐसे इंसान को पाना चाहता है जो स्ट्रॉन्ग लीडर हो, ऐसे इंसान को नहीं जो उनके ऊपर डिपेंड हो जाए। आपके पार्टनर को आपसे चाहिए कुछ और आप अपने पार्टनर को दे कुछ और रहे हो। आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार देने की कोशिश कर रहे हो, पर आपके पार्टनर को तो कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसको ठुकरा सके। आपके पार्टनर को कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके लिए वो तड़प सके। अगर आप ही आपके पार्टनर के लिए तड़प रहे हो तो वो आपके लिए कैसे तड़प सकता है? अगर वो आपके लिए तड़प नहीं सकता तो वो आपके बारे में सोचे ही क्यों? अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को वो देने की कोशिश कर रहे हो जो आपके पार्टनर को नहीं चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर को वो दे सकते जो उन्हें आपसे चाहिए, तो आपका पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करता, आपके पीछे भागता। मेरे साथ बात करने वाले कई लोग बताते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करके किसी दूसरे इंसान के पीछे भाग रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पार्टनर को आपसे वो नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए, और दूसरा इंसान जिसके पीछे वो भाग रहा है, वो इंसान उसे वही ऑफर कर रहा है जो उनको एग्जैक्टली चाहिए। इसीलिए तो वो आपको इग्नोर करके उसके पीछे भाग रहा है। आपके पार्टनर को आपसे जो चाहिए, आप टोटली उससे उनको उल्टी चीज दे रहे हो। आपके पार्टनर को ऐसा पार्टनर चाहिए जो अपने सपनों के लिए प्यार को लात मार सकता है, और आप अपने प्यार के लिए अपने सपनों को ही लात मार रहे हो। आपके पार्टनर को ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके लिए वो रो सके, जिसके लिए वो तड़प सके, लेकिन आप खुद आपके पार्टनर के लिए रो रहे हो। आपके पार्टनर को कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसको ये बोल सके कि तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप अपने पार्टनर को ये बोल रहे हो कि तुम्हारे बिना
तो हम जी नहीं सके, हमें इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। आपके पार्टनर को कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो बिल्कुल भी ये नहीं सोचता कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचता है, एंड हमेशा आप अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश करते रहते हो ताकि आपका पार्टनर कहीं आपसे नाराज ना हो जाए। आपके पार्टनर को कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसको कंट्रोल कर सके और आप खुद आपके पार्टनर के कंट्रोल में हो। रिलेशनशिप में 6 महीने से 1 साल के बीच में ज्यादातर लोगों के पार्टनर उन्हें इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि इतने टाइम के बाद उनके पार्टनर को ये फील होने लगता है कि अरे ये तो वो इंसान नहीं है जो इंसान मुझे चाहिए था। इसलिए एक टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान आपको नफरत करने लगता है और आपको समझ में भी नहीं आता कि वो ऐसा आपके साथ क्यों कर रहा है। अगर कोई इंसान आपके कॉल्स को इग्नोर कर रहा है, आपको मना कर रहा है कि मेरे साथ बात मत करो, तब आपको क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोग उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, एंड बार बार उनको कॉल और मैसेजेस करते रहते हैं। और लोग बार बार ये करते जाते हैं एंड उनका पार्टनर उनसे और ज्यादा दूर होने लगता है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ या मेरी टीम के साथ बात करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से कॉल बुक कर सकते हो। कॉल बुक करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।